हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप कभी जैसे आपको नहीं मन कर रहा हो अपने स्किन का केयर करने का, तो कैसे आप छोटी छोटी चीज़ों से भी अपने स्किन को डेली रूटीन में केयर करके और स्मूथ और हेल्दी रख सकते हैं अपने स्किन को। तो वही मैं आज आप लोगों से ब्यूटी टिप्स शेयर करूंगी। तो यहाँ पे जो मैं रेमेडी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ उसमें हमने ग्लिसरीन और रोज वाटर और एलोवेरा जेल और नींबू का इस्तेमाल किया है, जिससे कि हमारी स्किन बहुत ही हेल्दी और ग्लोइंग रहती है। इसका इस्तेमाल करने से जैसे हमारे स्किन में झुर्रियाँ आ गई हों, स्किन बहुत लूज हो गई हो, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपने स्किन को फिर यंग और खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए इस रेमेडी को कैसे बनाना है मैं वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। एक कटोरी ले ली है, अब इसमें मैं एलोवेरा जेल ले लूँगी। और इसी चम्मच के हिसाब से मैं इसमें ग्लिसरीन का इस्तेमाल करूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच के तकरीबन। रंधु के पीछे और थोड़ा मैं रोज वाटर इसमें 1 चम्मच के बराबर डाल दूंगी। और मैं यहाँ पे नींबू का इस्तेमाल कर रही हूँ। नींबू से क्या होता है कि जो हमारे स्किन में डेड सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं, चाहे स्किन बहुत ही लूज हो जाती है, तो ये उनको निकालने और स्किन को टाइट करने का काम करता है, तो इसलिए हमने इसमें नींबू का भी इस्तेमाल किया है। और इसको ऐसे ही अंगुलियों के सहारे से अच्छे से मिला लेंगे। और आप चाहें तो किसी ब्रश के सहारे, नहीं तो आप कॉटन से भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉटन के सहारे ही अपने चेहरे पे अप्लाई करूँगी। हमने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो ऐसे ही आपको अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। इससे आपके चेहरे पे बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे आपकी स्किन लूज हो गई हो, ज़्यादा एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम हो, स्किन बहुत ही डैमेज हो गई हो, और धूप में निकलने से कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत टैनिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन सब प्रॉब्लम को ये बहुत ही अच्छी तरह से रिमूव करता है। तो इसको आपको सप्ताह में 2 दिन करना है, 2 बार आप कर सकते हैं, कभी भी नाइट के टाइम करें तो और भी अच्छा है, शाम के टाइम। तो हमने लगा लिया और मैं इसको भी 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह से सूखने दूंगी, इसके बाद वॉश करूंगी। तो यहाँ पे हमको ये पैक लगाए 10 मिनट हो चुका है, मैं वॉश कर लूँगी। इसके पहले मैं थोड़ा सा हल्के हाथों से मसाज करूँगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा ले रही हूँ रोज वाटर और ऐसे ही लगा लेना है आपको। इसके बाद मैं वॉश कर लूंगी। तो यहाँ पे हमने वॉश कर लिया। किसी टॉवल से ऐसे ही सुखा लेना है, रगड़ना नहीं है स्किन को। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी स्मूथ और ग्लोइंग स्किन होंगे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। लगाने के बाद फीलिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो हमने चेहरे को अच्छी तरह से टॉवल से सुखा लिया। अब मैं यहाँ पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करूँगी। फ्रेंड्स, आपको कोई भी रेमेडी करना है तो मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाना है अपने स्किन में। मॉइस्चराइजर जो भी आप इस्तेमाल करते हों,
बहुत ही अच्छी और स्मूथ हो गई है स्किन। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि हमारी स्किन कितनी हेल्दी ग्लोइंग और सुपर सॉफ्ट हो गई है, क्योंकि इस रेमेडी को करने के बाद आपको सप्ताह में 2 बार करना है। बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है, क्योंकि मैं हमेशा करती रहती हूँ, पहले मैं अपने पे इस्तेमाल करती हूँ फिर ही आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो आई होप कि ये रेमेडी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और मैं ऐसी ही हेल्पफुल रेमेडी लेकर आती रहूँगी ताकि मैं आप लोगों की स्किन में 4 चांद लगा सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।